हेलो एवरीवन, वी द एमबीबीएस स्टूडेंट्स ऑफ 2019 बैच ऑफ जीएमसी डूंगरपुर आर गोइंग टू इनेक्ट अ स्मॉल रोल प्ले टू टीच यू द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग इन मेडिकल प्रोफेशन। इसका जितने पेशेंट्स हो रहे हैं अभी तो बहुत सारे पेशेंट बचे हुए हैं, तो एक काम करो, थोड़ा आप जल्दी भेजना, मुझे घर में करना। अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट पेशेंट आ गया। देखिए क्या तकलीफ है आपको? सर मेरा पेट बहुत ज्यादा दुख रहा है कुछ दिनों से। ये कब से हो रहा है? एक दो दिन हो गए हैं सर। तो खाना खाने से पहले हो रहा है, खाना खाने के बाद कैसे हो रहा है? खाना खाने के बाद। ना वापस से मैं आपकी दवाई चेंज कर दूँगा, ठीक है? चलो जल्दी नेक्स्ट आ जाओ। मैम ये दवाई दे दीजिए। यार आजकल के डॉक्टर भी क्या हैंडराइटिंग लिखते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। यार देख रही क्या लिखा है ना? डॉक्सीसाइक्लिन। क्या तकलीफ हो रही है आपको? मैम मेरे पेट में दर्द है। कितने दिन हो गए पेट दर्द को? 4-5 दिन हो गए हैं। इतने दिन से दर्द था तो आपने पहले कहीं किसी डॉक्टर को दिखाया था? हाँ मैंने दिखाया था कुछ दिनों पहले, 1-2 दिन पहले, पर मेरा दर्द ठीक नहीं हुआ, ऊपर से ज़्यादा होने लगा और उल्टी भी होने लगी। तो कोई पुराने डॉक्टर से आपका पर्चा या दवाई कुछ लाई? हाँ मैंने लाई। अरे दवाई तो सही लिखी है पर दर्द कैसे सही नहीं हो रहा तुम्हारा? दवाई लेके आई हो क्या साथ में? हाँ दवाई है, ये लीजिए। अरे ये तो गलत दवाई ले रहे हो आप, इसीलिए दर्द सही नहीं हो रहा, मैं दूसरी दवाई लिख देती हूँ। Through this act, we want to convey that along with correctly treating the patient, a doctor should write a good prescription, including writing all the drugs in capital letters and in understandable handwriting, including dose and duration, so that a pharmacist can easily understand and dispense the drugs to the patient.